This is about 14th of August 2014 जब हम सब का प्लान बना कि हम सब गंडा सिंह पार्टी पर जाए। सुबह क्या था, सुबह हम उठे जल्दी तैयार हुए और 9 बजे लाहौर से निकले गंडा सिंह पार्टी की तरफ जो कि किसूर में लाए। लेकिन हमारे साथ ट्रेजेडी क्या, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो भाई आगे किसी ने जाने नहीं दिया क्योंकि वो 14 अगस्त का दिन था, लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम था, इसी वजह से हमें वहाँ से वापस मिल गए। लेकिन जब हम वहाँ से वापसी के लिए निकले तो हम सब के दिल टूट चुके थे क्योंकि घर से प्लान बना के निकले थे कि हम सब गंडा सिंह बॉर्डर जाएंगे, देखेंगे वहाँ से। सो वो तो प्लान नहीं हो सका और फिर हम सब सोचने बैठ गए। सोचते सोचते हम सब का प्लान बना कि भाई अगर कसूर में आए तो बाबा भोले शाह के मैसार पर नहीं गए तो कसूर आए क्यों, ये बताओ भला। पोथियां पंडित मुआ जिस पढ़ने विच रब ना मिलया अते ओ पढ़ना की हूँ। मैं पहली दफ़ा बाबा भोले शाह के मज़ार पर हाजिरी देने के लिए गया और यकीन जानिए कि वहाँ पर मुझे इतना सुकून मिला कि मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं जो सुकून को बयां कर सके। पता नहीं क्यों वहाँ मैं अपने अंदर एक नई तब्दीली महसूस करने लगा, खुद को ऐसे लगने लगा कि मेरा जिस्म बहुत हल्का हो रहा है, जैसे कि मेरे दुख गम परेशानी सब खत्म हो गए हैं। पता नहीं अल्लाह के पाक बंदों की जगहों पर इतना सुकून कैसे होता है। दर मुर्शिद दा खाना कबा जिथे आशक सजदा। बाबा भोले शाह के मज़ार पर फातिह शरीफ पढ़ने के बाद उनके तबरकात देखे। सो गाइस ये था विजिट आज बाबा भोले शाह का। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी देखते हैं अब कहाँ जाना है। और भाई अगर आप कसूर आए हो और कसूरी फालूदा चेक नहीं किया तो फिर कसूर में आए क्यों, ये भी बताओ भला। जब हम कसूर से निकले फारग हुए तो हम सब ने ये प्लान किया कि लाहौर में जाके कुछ पार्क्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ों का ऐसी जगहों का विजिट करेंगे जो देखने के काबिल होंगे, जो कि हमारी चाहत ही है। उसकी रीज़न ये थी कि जब हम यहाँ से निकले तो लाहौर पहुँचे, लेकिन लाहौर पहुँचने से पहले इतनी लंबी लाइन थी,
यानी कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि हम सब उस ट्रैफिक में फंस गए और ऑलमोस्ट हमें वहाँ से निकलते निकलते कम से कम 2 घंटे। तो उसके बाद क्या होना था कि रात के 2 बज गए, तो हम सब ने यही प्लान किया कि भाई अब कहीं जाने से बेहतर है घर जाके सोया जाए। सो लाहौरियों की जो 14 अगस्त होती है वो यही होती है कि वो अपनी फैमिलीज की शक्ल में बाहर निकलते हैं और सबसे पहले पता करते हैं, वो यही करते हैं फैमिलीज की सूरत में, वो लंबी लंबी लाइनों में रश में पड़े होते हैं अपनी अपनी फैमिलीज को लेकर गाड़ियों के अंदर, कि वो तकरीबन 5-6 घंटे खुद को भी ख्वार करते हैं और अपनी फैमिलीज को भी जरिए ख्वार करते हैं और उसके बाद 4-5 घंटे रश में फंसने के बाद वो वापस चले जाते हैं। तो ये है लाहौरियों की 14 अगस्त। सो उस 14 अगस्त को हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि भाई जब आप कोई भी प्लान करके जाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका प्लान एग्जीक्यूट हो। और उससे कुछ ये भी हमें सीखने के लिए मिला कि कुछ चंद ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप प्लान नहीं करते हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो भी हो जाती है। सो ये थी आज की वीडियो, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए खड़ा। This is about 14th of August 2020. 2020.